हेलो फ्रेंड, हाय। आप लोग कैसे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, सेट आपके सामने जो है देख रहे हैं, B110 FM गुरु है, इसको जो है आप कोड के द्वारा कैसे हार्ट रिसेट यानी रिसेट करेंगे। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि कस्टमर लेके आता है, कोई कोई ऐसा प्रॉब्लम रहता है दोस्तों कि उसको जो है हार्ट मतलब रिसेट करने से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जैसे कि मान लीजिए लाइट जो है कंटिन्यू जलते रहता है, या कोई ऐसा टोन है या मैसेज या कोई भी सेटिंग ऐसा है जो, या लाइट का डिस्प्ले का या कीपैड का लाइट कंटिन्यू दिन भर जलता रहे, कस्टमर बोलता है कि लाइट जलता रहता है, बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाती है। तो ऐसा एक प्रॉब्लम आता है जो सेटिंग से, ज़्यादातर सेटिंग प्रॉब्लम ऐसा आता है जो सेटिंग से हो जाता है, हमको ढूंढने में सेटिंग में वो सेटिंग ही नहीं मिलती है और उसको हम लोग को हार्ड रिसेट करना रहता है। हार्ड रिसेट से सही हो जाता है। तो कोई कोई मान लीजिए नॉर्मल 1 2 3 4 5 रहता है तो उसे हम हार्ड रिसेट सेट को कर देते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। या किसी किसी का चेंज अगर रहता है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो ज़्यादातर हमको सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। तो मान लीजिए जिसके पास सॉफ्टवेयर का सुविधा है वो तो मान लीजिए चेंज कर वो कर देगा हार्ड रिसेट, जिसके पास नहीं उसको दिक्कत होता है। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको लिए लाया हूँ एक सोल्यूशन जो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले देखिए, जैसे जाते हैं हम पहले सेटिंग में जाते हैं आप मान लीजिए आपको रिसेट करना है या आपको सिक्योरिटी यानी चेंज करना है, मान लीजिए या आप पासवर्ड कोई लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड जैसे मान लीजिए पासवर्ड मांगता है 1 2 3 4, देखिए रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है, 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, ये भी रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है। या आप रिसेट करना चाहते हैं तो रिसेट भी अगर नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी हम रिसेट में जाते हैं और मास्टर रिसेट करते हैं, तो देखिए ये कोड मांगेगा 1 2 3 4 5, देखिए ये रंग बता रहा है, मान लीजिए 1 2 3 4 ये रंग बता रहा है। दोस्तों, मैं ज़्यादा कोड डाल के नहीं दिखाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरह मान लीजिए आपको अगर ये प्रॉब्लम होता है और आपको हार्ड रिसेट करना है, इसको दूर करना है, तो आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। अगर सॉफ्टवेयर सुविधा नहीं है तो आप नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं आपके सामने एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो दोस्तों, पहले ये जो है मेन इंटरफेस पे आ जाएंगे और यहाँ हमको एक कोड डालना होगा, जो कि कोड ये है *2767*3855। इतना कोड डालने के बाद जैसे ही आप हैश क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, ऐसे ही रिसेट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मैंने हैश जो है कर दिया, देखिए यहाँ E2P फुल रिसेट ये हो रहा है, डोंट पावर लिख रहा है, आप ना करिए, 1 मिनट का समय लगेगा। वैसे 1 मिनट लगेगा नहीं, किसी किसी में लग भी सकता है, ये 10-15 सेकेंड का प्रोसेस है। देखिए ये सेट हुआ, अब ऑफ यानी ये रिसेट हो गया, अब रिस्टार्ट हो रहा है, रिबूट हो रहा है। अब ये कुछ समय में स्टार्ट होगा सेट, फिर हम लोग सेटिंग में चल के देखते हैं कि ये पासवर्ड मांगता है या नहीं मांगता है, या रिसेट मांगता है या नहीं मांगता है। तो ये सेट हो चुका है हमारे ख्याल से दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे सेटिंग में जाने के बाद हम लोग आते हैं पहले सिक्योरिटी में, देखते हैं सिक्योरिटी में पावर ऑफ। अब यहाँ हम गए, देखिए अब यहाँ जो है कोई भी कोड, देखिए यहाँ कंफर्म करने के लिए कर रहा है, यानी ये कोड जो है ले लिया, पहले इंटरन्यू दिया है दोस्तों। अब यहाँ देखिए यहाँ इंटरन्यू दे रहा है, यहाँ से आप जो है नया डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ रिसेट का, तो रिसेट में अभी देखिए यहाँ मास्टर रिसेट पे दाबने से वो क्या नाम है कि कोड मांग रहा था, मैं बड़ा मास्टर रिसेट पे ये क्लिक करता हूँ, देखिए ये एस करता हूँ, देखिए अब रिसेट होने लगा, यानी कोई भी कोड नहीं मांगा। तो दोस्तों, ये सेट जो है ये रिसेट हो चुका है, इसमें अब कोई भी कोड नहीं, आप नया कोड अब डाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पहनना है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।